हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर फाइव ऑफ सेक्शन ए टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर सो पोटेंशियोमीटर का ये एक्सपेरिमेंट नंबर टू है इससे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर फोर डाला था जिसमें हमें कंपेयर करना था ई ऑफ द टू सेल्स टू अनोन सेल्स सो उसमें रिजल्ट आया था ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू एंड दिस टाइम आपको एक ही सेल दिया गया है आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर एक ही सेल है ई एम एफ है ई सेकेंडरी सेल इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर उसके साथ पार्लर में एक रेजिस्टेंस बॉक्स की की हेल्प से कनेक्ट किया गया है और हमें क्या करना है ये जो सेल गिवन है ई e, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कैलकुलेट करना है तो मैं ब्रीफली सरफ सर डाइग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार जब की को ओपन रख के टू की के टू को ओपन रखेंगे और जब हम गैलोमीटर के अंदर नल पॉइंट ऑप्टेन करेंगे जॉकी को वायरिंग के ऊपर स्लाइड करके तो हमारे पास ईएमएफ को लेकर बैलेंसिंग लेंथ आएगी उसके बाद में जब की को क्लोज़ कर देंगे के टू को सो ऊपर वाला सर्किट भी क्लोज हो जाएगा तो सर्किट का जो पोटेंशियल सॉरी सेल का जो ई होगा वो थोड़ा सा ड्रॉप आउट करेगा और उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज जो मैक्सिमम वोल्टेज रहता है दैट इज़ ई जब वो ड्रॉप आउट कर जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज तब जब हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे तब डिफरेंट आएगी तो एक केस में नल पॉइंट आ रहा है एन वन पे दूसरे केस में नल पॉइंट आ रहा है एन टू पे वॉट भी उसको एन वन एन टू ले लो एन टू एन वन ले लीजिए जिस तरीके से भी लेना है बस हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है यूजिंग पोटेंशो तो पहले तो ये सर्किट डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे टेक द स्क्रीनशॉट उसके आगे देखिए ये एक्सपेरिमेंट नंबर फाइव है सेक्शन ए का एम है ऑब्जेक्टिव है जैसे कि मैं बता चुकी हूँ टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर वॉट इज इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज़ नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर स्मॉल आर से दिखाते हैं सो so, उसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है जो सेल है जो भी हमें गिवन है दैट इज सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल का हमें फाइन करना है सो so, आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं यहाँ पर सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल की प्लेस पे आप सेकेंडरी सेल लिखें इन प्लेस ऑफ प्राइमरी सेल रिक्वायरमेंट का भी स्क्रीन ले लीजिए टेक द स्क्रीन ओके थ्योरी के अंदर मैंने सारी कहानी पहले ही बता दी है एक बार हम की के टू को ओपन रख के बैलेंसिंग लेंथ फाइन करेंगे जिसको मान लिया हमने एल वन फिर की के टू को क्लोज करके हम बैलेंसिंग लेंथ फाइन करेंगे जिसको मान लिया हमने एल टू एक बार ई एम एफ आएगा फर्स्ट केस में जब हम उसे ओपन रखेंगे सेल का दूसरे केस में टर्मिनल वोल्टेज आएगा तो इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए टेक द स्क्रीन शॉट ओके आगे चलते हैं सो डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग हम अप्लाई कर देंगे और वहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे जो कि हमने ऑलरेडी एक डेरिवेशन ये थ्योरी का भी पार्ट है ये नहीं सिर्फ डेरिवेशन ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है डेरिवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइन करते हैं सो ई वन और वी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन सबसे पहले तो स्क्रीन लीजिए इसका भी टेक द स्क्रीन E1 वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ एल वन एंड सिमिलरली टर्मिनल वोल्टेज डायरेक्टली प्रपोर्शल है लेंथ एल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करेंगे कांस्टेंट आएगा के के से के कैंसिल हो जाएगा सो ई अपॉन वी का रेशो एल वन अपॉन एल टू और ये हम इंटरनल रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन आता है इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग से वहाँ पुट कर देंगे सो so, इसका भी स्क्रीन शॉट लीजिए ये पूरा थ्योरी में आएगा थ्योरी आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करनी होगी देन ऑब्जर्वेशन टेबल और ऑब्जर्वेशन टेबल मैं एडवाइस करूंगी आपको कि आपकी जो अपनी इंडिविजुअल रीडिंग्स जो आपने परफॉर्म करी हैं एक्सपेरिमेंट्स को जो परफॉर्म किया है वो लिखें यहाँ पर सो so, मैंने पर्टिकुलरली जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसकी जो रीडिंग्स ली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिया है एक बार हमने की को क्लोज़ करके वैल्यू निकाली है और एक बार की को ओपन करके वैल्यू निकाली है सो so, ये ध्यान रखना है तो क्या सिचुएशन आएगी इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मीन निकाल लिया हमने इंटरनल रेजिस्टेंस और मीन वैल्यू हमारे पास आ गई है फाइव पॉइंट सेवन ओम सो रिज़ल्ट स्पेसिफाई कर देंगे द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज़ फाइव पॉइंट सेवन तो फाइव पॉइंट सेवन आ गया हमारे पास में प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस uh, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रेक द स्क्रीन शॉट ऑफ द प्रिकॉशंस एंड दीज आर दोर्सेज ऑफ एरर तो एक सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंट है और एस सच आप कॉपी कर लेंगे दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर फाइव ऑफ सेक्शन ए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो